कबीरा फैमिली की ओर से कुछ मैसेज देना चाहूंगा। अगर आपके हिसाब से तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं। SNDT is built on four virtues and it will strive to live those four virtues till infinite. तो SNDT जो है इसकी चार नींव है, ये चार पिलर पे चलती है और ये जो चार पिलर है यही हमारे SNDT या हम कोई बिजनेस करेंगे उसकी नींव होंगे। ये चार वर्चुज जो हमारे चार सिद्धांत है, इसी के जैसे हर एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन बनता है तो उसमें पिलर लगाए जाते हैं। आप कोई भी वस्तु है देखो, स्टेज भी लगा हुआ है तो इसके भी पिलर्स दिए हुए हैं। कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा तो उसको पिलर देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारे SNDT के जो पिलर है वो कभी भी बदलेंगे नहीं, चाहे हम ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे हम कंस्ट्रक्शन में हो, भविष्य में हम लोग और भी कोई बिजनेस में जाएंगे, हमारे चार पिलर बदलेंगे नहीं। और ये चार पिलर हमारे 1991 के पहले से हमारे व्यक्तित्व में है और ये हमारे चरित्र में है। तो ये पिलर के ऊपर ही हमारी SNDT खड़ी है और उसी के अंदर हमारे वो पिलर्स के हिसाब से हमारे आगे भी जो भी बिजनेस करेंगे उसमें चलते जाएंगे। और इसके अंदर हमारा जो कोर पर्पस है, हमारे जो कोर वैल्यूज है वो हम कभी भूलेंगे नहीं और हमारे कोर वैल्यूज के बारे में हम आगे बात करेंगे और हमारे कोर पर्पस के बारे में आगे बात करेंगे। सो अब मैं बात कर रहा हूँ हमारा कोर पर्पस। सो कोर पर्पस का मतलब क्या था, मैं बोलता हूँ कोर पर्पस मतलब आपका मूल्य उद्देश्य, आपका एक्चुअल पर्पस, आपके जीवन जीने का कारण। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी को भी पूछूंगा कि आप सुबह क्यों उठते हो, कितने लोगों के पास जवाब है सुबह क्यों उठते हो, ऐसे ही मतलब नींद खुल गई तो उठ गए, या फिर बीवी ने चिल्ला दिया तो उठ गए, या बच्ची का आवाज आ गया तो उठ गए, या तो फिर सभी लोग उठते इसलिए उठ गए। आज के पास SNDT में आप सभी के पास एक कारण होगा। आज से आप लोग सुबह उठेंगे टू डिलीवर ट्रस्ट ऑन टाइम एवरी टाइम। आज से आप सभी के पास उठने का कारण है, आप लोग सुबह उठोगे हमारे ग्राहकों की सेवा के लिए और टू डिलीवर ट्रस्ट ऑन टाइम एवरी टाइम। हमारा जो कोर पर्पस दिया हुआ है वो है हम पार्सल की डिलीवरी नहीं करते, हम भरोसे की डिलीवरी करते हैं। और आज से हमारा उठने का उद्देश्य होगा टू सर्व अवर कस्टमर्स टू डिलीवर ट्रस्ट ऑन टाइम एवरी टाइम। तो यही है जो हमारा मूल उद्देश्य जिसकी वजह से हमारे उठने का कारण है और ये मूल उद्देश्य आप सभी को आपके साथ रखना है